तो भाई लोग कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज होने जा रही फिल्म वेल्ले को लेकर, जिसके लिए एक्साइटेड है देवल फैंस। क्योंकि गाइस देवल फैंस की करोड़ों में संख्या है इंडिया के अंदर। आपको पता है देवल्स का नाम आज से नहीं न जाने कितने सदियों से चला आ रहा है, और इस फैनिज्म की शुरुआत हुई थी धर्मेंद्र से और हेमा मालिनी से। इनकी दोनों की जोड़ी लोगों को एक अलग ही, बोलते हैं ना, इन दोनों की जोड़ी देखने के लिए एक अलग ही रिएक्शन आता था ऑडियंस का, और तभी से देवल्स के फैनिज्म बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। अब गाइस देवल्स की जो नई पीढ़ी है वो है अभय देवल और करण देवल, जिनकी फिल्म आ रही है कल, यानी कि वेल्ले, जो कि एक अपकमिंग कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत रोमांस भी मिल जाएगा, वो वाली बात है। लीडिंग में नज़र आ रहे हैं करण देवल, अन्या सिंह, अभय देवल और मौनी रॉय। और इसको डायरेक्शन दिया है देवेन मुंजल ने, और प्रोड्यूस किया है अजय देवगन ने अपने प्रोडक्शन हाउस अजय देवगन फिल्म्स में। ऐसे में गाइस जो उसका बजट है वो एटलीस्ट 30 करोड़ के आसपास हो सकता है, बोले तो 30 करोड़ से कम, इससे ज़्यादा इसका बजट नहीं है, ये चीज़ कन्फर्म है। वेल, अगर इस फिल्म का बजट 30 करोड़ है तो उसको एटलीस्ट अगर हिट का वर्डिक्ट हासिल करना है तो 45 करोड़ का कलेक्शन करना होगा, और वहीं से ब्लॉकबस्टर के लिए कम से कम 70 करोड़ के आसपास कलेक्शन करना होगा। तो आपकी क्या है राय इस फिल्म को लेकर? आपके हिसाब से देवल फैंस कितने तक पहुंचा सकते हैं इस फिल्म को? आपके हिसाब से क्या इसका, बोलते हैं ना, टारगेट रह सकता है अपने पहले दिन का अचीव करने का? क्या ये फिल्म 10 करोड़ की इनिंग पार कर सकती है या फिर नहीं? वेल गाइस, आपको पता है फैन बेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन यार फैन हर वक्त एक्टिव रहे ऐसा तो मुमकिन नहीं है मेरे हिसाब से। और कल इसके साथ एक बड़ी और फिल्म रिलीज़ होगी चंडीगढ़ करे आस की, तो क्लैश होगा, डेफिनेटली होगा। आपकी जो भी हो रहा है दोनों फिल्मों को लेकर कमेंट में बताइएगा, और आप कितने एक्साइटेड हो वेल्ले को लेकर कमेंट में आपकी राय मेंशन कीजिएगा। यार वीडियो आपको पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, टेक केयर।